दोस्तों आज हम आपको बताएंगे खून के अशुद्ध और गाढ़ा होने की समस्या को कैसे आप आयुर्वेदिक नुस्खों से दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास अपने लिए समय ही नहीं है, जिससे गलत डाइट और एक्सरसाइज ना करने का सीधा असर सेहत पर दिखाई देता है। समय पर खाना ना खाना या व्यायाम न करने पर बीमार पड़ना तो जाहिर सी बात है, लेकिन गलत खान पान के कारण आप रक्त विकारों का शिकार भी हो सकते हैं। खून शरीर के अंगों में ऑक्सीजन सप्लाई करके आपको स्वस्थ रखता है। ऐसे में खून में गड़बड़ी, रक्त के थक्के जमना या खून के गाढ़ा होने से आप कोलेस्ट्रॉल और दिल के रोग जैसी बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। कुछ लोग तो इस समस्या को दूर करने के लिए दवाइयों तक का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ कारगर घरेलू तरीके से भी इन रक्त विकारों को दूर किया जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे आप रक्त विकारों को बिना किसी नुकसान के दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल LifeHacks पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल LifeHacks को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को अनेबल जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्त विकार के कारण है आयरन की कमी, अनुवांशिक कमजोर लीवर, हार्मोन बदलाव, गलत आहार, डायबिटीज, तनाव, पानी की कमी, ये सभी रक्त विकार के कारण है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं रक्त विकार के लक्षण क्या हैं। लगातार बीमार रहना, भूख ना लगना, वजन कम होना, त्वचा रोग, दृष्टि कमजोर हो जाना, बाल झड़ना, प्रतिरोधक क्षमता कम होना, ये सभी रक्त विकार के लक्षण हैं। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं रक्त विकार के घरेलू उपचार क्या हैं। नंबर एक, आंवला। दोस्तों विटामिन सी के गुणों से भरपूर आंवले का सेवन शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और यह नए रक्त को भी बनाता है। नंबर दो, नींबू। दिन में 3 बार गर्म पानी में नींबू मिलाकर सेवन करें, इससे आपके सभी प्रकार के रक्त विकार दूर हो जाएंगे। नंबर तीन, मुनक्का। 25 ग्राम मुनक्के को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह इसे पीसकर 1 कप पानी में मिलाकर रोजाना पिएं, इससे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। नंबर चार, एलोवेरा। दोस्तों 25 ग्राम एलोवेरा के ताजा रस में 12 ग्राम शहद और आधे नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम पीने से रक्त विकार दूर होते हैं। नंबर पाँच, करेला। दिन में 2 बार ताजे करेले का जूस का सेवन भी सभी प्रकार के रक्त विकारों को दूर करता है। नंबर छः, प्याज। 1/4 कप प्याज के रस में नींबू शहद मिलाकर लगातार 10 दिन तक सेवन करें, यह रक्त विकार को दूर करके खून साफ करने में मदद करता है। नंबर सात, नीम। नीम के पत्ते, निम्बोली छाल और जड़ को उबालकर दिन में 1 बार पिएं, इससे रक्त विकार के साथ आपकी कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया खून के अशुद्ध और गाढ़ा होने की समस्या को कैसे आप आयुर्वेदिक नुस्खों से दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल LifeHacks को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।